S200 मोटर्स थ्रस्टिंग करेंगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसरो की नई उड़ान, इतिहास रचता हुआ, नित्य नई बुलंदियों को छूता हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसकी एक और उपलब्धि देश को गौरवान्वित करता, देश का ये प्रतिष्ठित संस्थान का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. तो LMV-3M3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। एक साथ इसरो ने एक बार फिर 36 सैटेलाइट लॉन्च कर एक और कीर्तिमान बनाया है। पूरे विश्व में एक लॉन्च व्हीकल से सबसे अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी इसरो के नाम है, भारत के नाम है। इस बार LMV-3 के माध्यम से ये 36 सैटेलाइट एक साथ श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया है। ओडिशा के श्रीहरिकोटा से इसरो ने एक और LMV-3M3 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो एक साथ 36 उपग्रहों को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करेगा।